सवाल यही है कि इस हादसे का कारण क्या है। रेलवे का ये कहना है कि मालगाड़ी के जो लोको पायलट थे उन्होंने इस सिग्नल को ओवरशूट किया था और उसके बाद ये मालगाड़ी आकर कांचनजंगा एक्सप्रेस जो धीमी गति से चल रहा था, थोड़ा आगे जाकर हॉल्ट करना था, उस गाड़ी से टकराती है और उसके बाद जानमान का नुकसान होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेन के बोगियों के जो सीट्स और बर्थ है वो बिखरे पड़े हुए हैं। लोगों के खाने का सामान, वाटर बॉटल और ये सारा साजो सामान जो है चारों ओर बिखरा पड़ा है। एक के बाद एक यहाँ पर नेता मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन लोगों का ये सवाल है कि रेल में सफ़र करना क्या आज इतनी ही जोखिमपूर्ण है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक बार बालासोर में हमने देखा जून 2023 में जिस तरीके से घटना हुई थी, कई लोगों की जाने गई थी, ठीक इसी तरह एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आ गई थी और उसके बाद इतना बड़ा हुआ हादसा था कि कई लोगों की जाने गई थी और ठीक उसी तरह इस बार भी एक पटरी पर दो ट्रेनें आ पहुंची थी। और यहाँ देखिए दूर दूर तक लोग अभी भी खड़े हैं और इनसे अलग अलग समय पे मदद भी मांगा जा रहा है, तो ये सामने आकर मदद भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि ये लोग जो है ये अपनी पूरी कोशिश उन्होंने सुबह किया था कि जो लोग फंसे हुए थे जब तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो रहा है, जब तक यहाँ पर जो इमरजेंसी सर्विसेज की टीम नहीं पहुँच रही, तब तक ये लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर यहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी और काफ़ी लोगों के जाने भी वो बचाए। सवाल यही है कि इस हादसे का कारण क्या है। रेलवे का ये कहना है कि मालगाड़ी के जो लोको पायलट थे उन्होंने इस सिग्नल को ओवरशूट किया था और उसके बाद ये मालगाड़ी आकर कांचनजंगा एक्सप्रेस जो धीमी गति से चल रहा था, थोड़ा आगे जाकर हॉल्ट करना था, उस गाड़ी से टकराती है और उसके बाद जानमान का नुकसान होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेन के बोगियों के जो सीट्स और बर्थ है वो बिखरे पड़े हुए हैं। लोगों के खाने का सामान, वाटर बॉटल और ये सारा साजो सामान जो है चारों ओर बिखरा पड़ा है। एक के बाद एक यहाँ पर नेता मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन लोगों का ये सवाल है कि रेल में सफ़र करना क्या आज इतनी ही जोखिमपूर्ण है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक बार बालासोर में हमने देखा जून 2023 में जिस तरीके से घटना हुई थी, कई लोगों की जाने गई थी, ठीक इसी तरह एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आ गई थी और उसके बाद इतना बड़ा हुआ हादसा था कि कई लोगों की जाने गई थी और ठीक उसी तरह इस बार भी एक पटरी पर दो ट्रेनें आ पहुंची थी। और यहाँ देखिए दूर दूर तक लोग अभी भी खड़े हैं और इनसे अलग अलग समय पे मदद भी मांगा जा रहा है, तो ये सामने आकर मदद भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि ये लोग जो है ये अपनी पूरी कोशिश उन्होंने सुबह किया था कि जो लोग फंसे हुए थे जब तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो रहा है, जब तक यहाँ पर जो इमरजेंसी सर्विसेज की टीम नहीं पहुँच रही, तब तक ये लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर यहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी और काफ़ी लोगों के जाने भी वो बचाए।